बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। शो दैट कॉज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं। सॉल्यूशन ये इसका प्रूव है, कॉज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Let sine of inverse x is equal to alpha. हम इसको अगर alpha ले लें तो ये cos of alpha equal to 1 minus x square बन जाएगा। Implies that cos of alpha is equal to 1 minus x square. ठीक है, यानी अगर हमारे पास इस जगह पे हम अल्फ़ा लगा देंगे तो ये कॉज ऑफ अल्फ़ा बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉज ऑफ अल्फ़ा की। ठीक है, कॉज ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से हम साइन ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन ऑफ अल्फा एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब साइन की वैल्यू साइन अल्फा की एक्स है। अब यहाँ से हम कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कॉस की वैल्यू जो निकालेंगे तो वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगी, जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो आपको पता है साइन की वैल्यू हमें मालूम है और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इट्स स्क्वायर रूट। सो 1 माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा क्योंकि एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो यहाँ से यही हम प्रूव करना जो चाह रहे थे वही आ गया। हैंस प्रूफ, या यहाँ पे दोबारा अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये साइन इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट जो इसका 14 क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न पे है। 14 है, साइन ऑफ 2 cos inverse x is equal to 2x 1 minus x square का square root। अब इसी तरह से जैसे इसमें हमने sin inverse x को alpha लिया था, इसमें हम cos inverse x को हम alpha ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा sin of 2 alpha is equal to 2x 1 minus x square और square root, where पहले लिखने के सपोज या लेट या फिर लिखने के बाद हम बाद में लिख सकते हैं, वेयर अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स और कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा। अब हम वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, साइन ऑफ 2 अल्फा की। जब हम वो वैल्यू देखेंगे तो वो यही आ जाएगी। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ऐसे भी लिख सकते हैं कि साथ साथ ही लगा लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन ऑफ 2 अल्फा है। साइन ऑफ 2 अल्फा का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, 2 साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ अल्फा है। अब हमें साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू चाहिए और कॉज ऑफ अल्फा की वैल्यू। कॉज ऑफ अल्फा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, साइन ऑफ अल्फा की हमने वैल्यू निकालनी है। आपको पता है साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट। तो ये 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्योंकि एक्स है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। अब हमने ये 2 आ गया, साइन की रिप्लेस कर देंगे इसकी वैल्यू के साथ जो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है और कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू एक्स थी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा अरेंज किया है और यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है तो वो राइट हैंड के इक्वल आ गई है। चाहे तो एक दफ़ा एंड पे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लिखे, इसमें जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे अल्फा की जगह पे तो यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में प्रूव करेंगे कॉज ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी हम साइन इनवर्स एक्स को हम अल्फा लेंगे। ठीक है, इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कॉज ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ 2 अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सो साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये सारे एक ही मेथड के बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं।
आई थिंक बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। अब आपने कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा की वैल्यू लगानी है, हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू है। अब आपको पता है कॉस ऑफ जो 2 अल्फ़ा है, कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा, इसको हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, इस तरह से भी हम वैल्यू ये लगा के, इसमें हमें ये कि कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, या यही फार्मूला हम सारा का सारा कॉस में भी लिखते हैं, 2 cos² α माइनस 1, या फिर यही चला सारा फार्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये तीनों आपने जो है वो प्रूफ पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, तो इनमें से कोई सा भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ना यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे ये वाला, क्योंकि हमें इसमें साइन की वैल्यू ऑलरेडी पता है, हमें किसी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी नहीं पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे हम जो कॉज ऑफ 2 अल्फ़ा है इसको 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये 1 - 2 साइन की वैल्यू है एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा।